अरे भाभी जी, सुना कल रात तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई। हाँ भैया, का बताई, कल रात में हमरे यहाँ चोरी हो गई। का टाइम रहा जब चोरी भई? भैया टाइम तो बहुत बुरा रहा, तभी तो चोरी भई। अरे हमार मतलब है घड़ी में का बजत रहा? भैया घड़ी में तो टिक टिक बजत रहा। अरे भाभी जी आप समझी नहीं, हम ही पूछत रहे छोटी सुई कहाँ रही और बड़ी सुई कहाँ रही। अरे यार तू आदमी है कि पजामा, छोटी सुई बड़ी सुई घड़ी के अंदर रही और कहाँ रही। अरे भाभी जी जान के बड़ा दुख हुआ कि भाई साहब मर गए। वैसे भाई साहब मरे कैसे? टीवी से मरे भैया। लेकिन टीवी का जो इलाज है भाभी जी, आपने उन्हें डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? डॉक्टर को दिखाने का मौका ही नहीं मिला भैया। मौका ही नहीं मिला, वो कैसे? क्या बताई भैया, हम दोनों में झगड़ा हो गया। हम गुस्से में टीवी उठा के उनकी खोपड़ी पटक दी है, वो वहीं टे बोल गए। मेम साहब फ्रिज में रसगुल्ले रखे हैं, दो चार पीस खा लें क्या? खबरदार, अगर रसगुल्ले को हाथ भी लगाया तो। मैंने सारे रसगुल्ले गिन के रखे हैं, अगर एक भी कम हुआ ना तो समझ लेना। हमको मालूम था आपने गिन के रसगुल्ले रखे हैं, इसलिए हमने एक भी रसगुल्ला नहीं खाया, केवल चूस के वापस रख दिया। मेम साहब अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो मेम साहब। देखो भीख मांगना बुरी बात है, तुम कल से मेरे घर आना, मैं तुम्हें काम भी दूंगी और दो वक्त का खाना भी। ए मैडम तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं रोज 10 घर में भीख मांगता हूँ, 10 तरीके के खाना खाता हूँ, तो मुझे 10 तरीके का खाना रोज देगी क्या? का हो मिर्ची, ये प्याज के साथ कह जात हो? हम जाते पटाखे फोड़े। अरे फोड़े को तो ससुरे को इसे फोड़ दो, पटाखे फोड़े की क्या जरूरत है? बहन मैं 2 साल तुम्हारे पड़ोस में रह रही हूँ, लेकिन आज तक तुम्हारे पति को नहीं देखा। कैसे दिखते हैं तुम्हारे पति? अरे वो तो सीमा पे गए हैं। ये तो बड़े गर्व की बात है, तुम्हारे पति फौजी हैं। अरे बहन तुम समझी नहीं, सीमा मेरे खड़ू सास का नाम है, मेरे पति एकदम उसी पर गए हैं। भैया कद्दू का भाव? भैया कद्दू 40 रुपए किलो। और भिंडी का भाव? भैया भिंडी 80 रुपए किलो। और भैया लौकी का भाव? लौकी भैया 60 रुपए किलो। और भैया करेला? अरे भैया ले के का हो, केवल दाम ही पूछा तो कुछ ले तो हो नहीं। अरे भैया ले के कुछ नहीं हो, पड़ोस में हम एक सब्जी की दुकान खोले है तो बस दाम पता करे आए रहे। बता रहे ससुर भाग जाओ यहाँ से, हम ही से दाम पूछ के हम ही से कंपटीशन करियो, भाग यहाँ से। अरे वाह नए नए कपड़े, आज तो कपड़े धुलने में मजा ही आ जाएगा। एक और नया कपड़ा, आज तो मजा ही आने वाला है। एक और कपड़ा, कोई बात नहीं नए कपड़े हैं, एक और धुल देंगे। अरे यार हमको क्या धोबी घाट समझ रखे हो, जो कपड़ा ठूंसते चले जा रहे हो। नटाई तक कपड़ा ठूंस दो, फिर कहते फिरोगे कि मशीन अच्छी नहीं है, सही से कपड़े नहीं साफ करती। तुम्हारे जैसे लोगों को बैठा के तुम्हारा ही मनपसंद खाना तुम्हारे ही मुंह में तब तक ठूंसना चाहिए जब तक कि तुम्हारे पेट की मशीन न खराब हो जाए, तब तुम लोगों को समझ में आएगा ज्यादा कपड़े ठूंसने से वॉशिंग मशीन भी खराब हो जाती है। पगलेट कहीं के। ओ भैया फ्रिज का है आलू? बाहर बड़ी गर्मी है, तनी हमऊ के अंदर ले लो, अंदर जगह नहीं है, सामान ठूसा पड़ा है। अरे देख ला भैया कहीं एडजस्ट कहिला। अरे कहाँ से एडजस्ट के ले, जोन सामान किचन में रखे के चाहे वो फ्रिज में भरा पड़ा है, नमकीन बिस्कुट सूजी मैदा बेसन पापड़ सब तो फ्रिज में भरा पड़ा है। अरे भैया ये कुल सामान किचन में रखे से चीटी लग जाते है, यही मारे फ्रिज में रख दिया जाता है। अच्छा तो ये मेहंदी का कौन दवा, इनो बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, एमे कौन सा चीटी लग जाते है, जोन एक फ्रिज में धई दिया जाता है। भैया ये कुल बाहर पड़े पड़े खराब हो जाता है, यही मारे फ्रिज में धई दिया जाता है। तुम ज्यादा वकील मत बनो, अभी फ्रिज में कल की दाल परसों की सब्जी नर्सों का चावल सब भरा पड़ा है, और ये फ्रिज में पड़े पड़े तब तक ही सड़ेगा जब तक आज का दूध रखने की जगह ना कम पड़ जाए। हाँ ये तो गलत बात है भैया, गलत बात है ना, तो अब बताओ हम तुम्हें कहाँ एडजस्ट करें, खोपड़ी पे बैठा ले? खोपड़ी पे ही बैठा लो भैया। अरे खोपड़िया पे भी तो जगह खाली नहीं है, छोटा डब्बा बड़ा डब्बा दवा की पुड़िया क्रीम तेल साबुन कंघी सब तो रखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम फ्रिज है अलमारी है या गधा है। बिटिया, अरे ओ बिटिया, क्या है मम्मी? देखो आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अगर वो पूछे तुम्हें खाना बनाना आता है तो कह देना हाँ आता है, लेकिन मम्मी मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं। चुप रह, जितना कह रही हूँ केवल उतना कर। अगर लड़के वाले पूछे दाल कैसे बनाओगी तो बोलना दाल धुल कर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी नमक मिर्च हल्दी मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। और अगर उन्होंने पूछे सब्जी कैसे बनाओगी तो क्या बोलूंगी,
अगर पूछे सब्जी कैसे बनाओगी तो बोलना सब्जी धुलकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी नमक मिर्च हल्दी मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। बहन जी, दिखने में आपकी बिटिया तो बहुत खूबसूरत है, अगर आप अनुमति दे तो कुछ सवाल पूछ लूं बिटिया से। अरे आपकी बिटिया है, जो मन हो वो पूछिए। बेटे ये बताओ, अगर तुम्हारे ससुर जी तुमसे नाराज हो जाएं तो तुम कैसे मनाओगी? माँ जी, ससुर जी को धुलकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी नमक मिर्च हल्दी मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। अरे वकील साहब, मुझे बचा लीजिए। क्या हो गया भाई? वकील साहब, मेरे ऊपर हत्या का आरोप है, मुझे बचा लीजिए। बचा तो मैं लूंगा, लेकिन मेरी फीस पूरे 50,000 रुपए है, दे पाओगे? अरे वकील साहब, मुझे कैसे भी बचा लीजिए, मैं आपको पूरे 2,00,000 रुपए दूंगा। ठीक है, अदालत में कुछ भी पूछा जाए उसके जवाब में बे बोलना। क्या बोलोगे? बे। बहुत अच्छे। तुम्हारा नाम क्या है? बे। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बे। कहाँ रहते हो? बे। ये बे क्या लगा रखा है? बे। जज साहब, मेरा मुवक्किल दिमागी रूप से कमजोर है, उसने कोई हत्या नहीं की है, उसे झूठे केस में फंसाया गया है। तमाम गवाहों सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम आलू बेकसूर है, इसलिए अदालत आलू को बाइज्जत बरी करने का आदेश देती है। वाह भाई, क्या एक्टिंग की तुमने, मजा ही आ गया। लाओ मेरी फीस 2,00,000 रुपए दे दो। बे? अरे यार, मैंने ही तुम्हें बे करना सिखाया और तुम मुझे ही बे कर रहे हो। बे? अरे मैं तो लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, इस शातिर ने तो मुझे ही लूट लिया। भाई साहब, हमारी बिटिया शादी लायक हो गई है, कोई लड़का हो तो बताइए। अरे भाई साहब, घर में छोरा और नगर में ढिंढोरा, मेरा बेटा भी शादी लायक हो गया है, क्यों ना हम दोनों समधी बन जाएं। वैसे आपका लड़का करता क्या है? भाई साहब, मेरा लड़का रेलवे में है। वो तो ठीक है भाई साहब, पर आजकल सरकारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं रहा, क्या पता कल को रेलवे भी प्राइवेट हो जाए। अरे भैया, रेलवे प्राइवेट हो भी जाएगी तो लोग चने खाना थोड़े छोड़ देंगे। मतलब? मतलब ये कि मेरा लड़का रेलवे में चने बेचने का काम करता है। भैया, गोलगप्पा खाए का असली मजा तबे हो जब 3 लोग साथ में हो। अकेले जाओ तो गोलगप्पा वाला इतनी फटाफट खिलावत है जैसे ओके जोर की लगी हो, और 6-7 जने के साथ खाओ तो अपनी पारी का इंतजार करने में इतना समय लागत है जैसे सरकारी स्कीम में गोलगप्पा बटत हो।